फतेहपुर जिले के रघुवंशपुरम स्थित सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में छात्राओं ने मेहंदी और राखी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें कई छात्राओं ने भगवान शिव को अपने हाथों में मेहंदी से उकेरते हुए आयोजन को आध्यात्मिक रंग से रंग दिया। विद्यालय की छात्रा शालू ने बताया कि विद्यालय में मेहंदी प्रतियोगिता और राखी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें हम सभी छात्राओं ने भाग लिया। ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 1.5 से 2 घंटे चले कार्यक्रम के दौरान कक्षा 6 की छात्राओं ने रंग बिरंगी राखी भी तैयार की थी। कार्यक्रम के प्रभारी शालू रही, उन्होंने निष्पक्ष और निर्विवाद प्रतियोगिता को आयोजित कराने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी छात्राओं ने अपने प्रबंधक राकेश कुमार द्विवेदी को मेहंदी और राखी प्रतिस्पर्धा आयोजित करवाने के लिए धन्यवाद भी दिया। आज हमारे स्कूल में मेहंदी कॉम्पिटिशन हुआ है, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखने को पा रहे हैं और हम लोगों को बहुत खुशी भी है कि ये कॉम्पिटिशन आज हमारे स्कूल में हो रहा है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे मेहंदी डिज़ाइन पे मैंने यहाँ पे एक लेडी बनाई है जो कि शंकर भगवान की पूजा कर रही है। मैंने शुभ अवसर पर बनाया है क्योंकि सावन भी चल रहा है, तो मैंने ये बनाया है। आज हमारे विद्यालय में मेहंदी कॉम्पिटिशन बड़े सर ने प्रबंधक सर ने रखवाई हुई है और ये बड़े अच्छे बहुत खुशी की बात है कि हर साल सर ऐसे करवाते हैं और मैंने इसके हाथ में भी मेहंदी लगाई हुई है। टुडे वी हैव मेहंदी कॉम्पिटिशन इन आवर स्कूल बाय योर मैनेजर सर। एज यू कैन सी आई हैव यूज्ड मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइंस एंड मेनी काइंड ऑफ फ्लावर्स लीव्स एंड डिफरेंट I would take this as an opportunity to participate in this competition and I would like to thank you all for giving me this opportunity. भारतीय संस्कृति सभ्यता में हर पर्व का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार होता है। सावन महीने में विशेषकर महिलाओं के कुछ पर्व आते हैं जो एक तरह से महिला सशक्तिकरण के रूप में आप इसको देख सकते हैं। जैसे राखी का पर्व है, उस पर एक उद्देश्य होता है, समाज संकल्प लेता है बहनों की सुरक्षा का। पुरोहित संकल्प लेता है अपने यजमान के कल्याण की प्रार्थना करने का। ठीक उसी तरह मेहंदी प्रतियोगिता में बालिकाएं अपने क्षेत्र की, अपना देश की संस्कृति को उकेरती हैं, उससे अपनी संस्कृति सभ्यता के प्रति उनका अनुराग स्फुटित होता है और एक तरह से चूंकि ये बरसात का महीना होता है और अधिक वर्षा से कृषि प्रधान देश में खुशहाली आती है, तो हमारी ये बहनें प्रसन्नता व्यक्त करती हैं, खुशहाली व्यक्त करती हैं पूरे सावन के महीने में हरति माँ को देखकर। तो संस्कृति सभ्यता को उकेरने के लिए और जो कृषि प्रधान देश होने के कारण हम एक समृद्धशाली बनेंगे, अच्छी बरसात होगी, अच्छा अनाज पैदा होगा, तो खुशी व्यक्त करने के लिए भी इन पर्वों का विशेष रूप से महत्व है। आज सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज रघुवंशपुरम में बच्चियों ने विशेष तैयारी के साथ प्रतियोगिता का आयोजन किया। जो बच्चियां सर्वश्रेष्ठ 19 बच्चियों को चयनित किया गया है, कल प्रेयर टाइम में इनको पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे अन्य बच्चियां भी इसी प्रकार से उत्साहित हो सके। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।